हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। RRR स्टारर साउथ सुपरस्टार रामचरण आज अपना 39वां हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। रामचरण साउथ फिल्मों के उन सितारों में से हैं जिन पर अपने पापा का स्टारडम हावी नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 2022 में रिलीज हुई फिल्म RRR रामचरण की अब तक की सबसे सफल फिल्म है। 550 करोड़ की इस फिल्म को बनाने में लगभग 4 साल लग गए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 1300 करोड़ की कमाई की थी। RRR ने जब 10 दिन में 900 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तब इससे खुश होकर रामचरण ने RRR की टीम को गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए थे। रिपोर्ट्स की माने तो एक सिक्का लगभग 10 ग्राम का था और कुल सिक्कों की कीमत 18 लाख से ज्यादा थी। सोने के सिक्के की एक तरफ RRR और दूसरी तरफ रामचरण का नाम लिखा हुआ था। रामचरण ने ये सिक्के फिल्म के हर यूनिट मेंबर को दिए थे। इसमें करीब 35 टेक्नीशियंस के साथ साथ कई डिपार्टमेंट्स के हेड भी शामिल थे। लोगों के दिलों में यूं ही ये राज नहीं करते, इसके पीछे सबके बारे में अच्छा सोचना भी कभी कभी होता है, जो इन्होंने सोचा और अपनी टीम को इतना बड़ा गिफ्ट दिया। आपको बता दें, फिल्म RRR नाटू नाटू सॉन्ग तो याद होगा आपको। इसमें रामचरण ने क्या डांस किया था, क्या एक्टिंग की थी। वो ग्लोबल स्टार बन चुके हैं अब और उन पर फिल्माया गया नाटू नाटू ने 2023 में ऑस्कर भी जीता था। RRR में काम करने के लिए उन्हें डायरेक्टर SS राजामौली ने 45 करोड़ रुपए फीस दी थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो रामचरण ने अपनी फिल्म गेम चेंजर के लिए 100 करोड़ फीस चार्ज की है। वैसे रामचरण की गिनती साउथ के सुपरस्टार्स पे होती है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की एक ही फिल्म की है, वो भी प्रियंका के साथ। रामचरण क्यों रहे बॉलीवुड से दूर और कैसे बने वो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार, इस पे भी जरा गौर फरमाते हैं। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई में हुआ था। वो तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। वैसे राम के नाना फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक कॉमेडियन भी थे, जिन्होंने लगभग 1000 फिल्मों में काम किया। रामचरण की दो बहनें हैं जिनका नाम सुष्मिता और श्रीजा है। रामचरण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में की थी। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में किशोर नमित एक्टिंग स्कूल भी अटेंड किया, जहां एक्टिंग की बारीकियां सीखी। इसके बाद रामचरण ने 2007 में पूरी जगन्नाथ की फिल्म चिरुथा से करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म में रामचरण बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2009 में फिल्म मगधीरा रामचरण के लिए उनके करियर में ब्रेक थ्रू साबित हुई। ये उस वक्त तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म में रामचरण ने डबल रोल निभाया था। फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली थे। इस फिल्म ने साउथ फिल्म फेयर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। इसके अलावा 57वें नेशनल अवार्ड में फिल्म को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट कोरियोग्राफी के अवार्ड भी मिले थे। इसके अलावा रामचरण को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद रामचरण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं रामचरण ने 2013 में बॉलीवुड में फिल्म जंजीर से डेब्यू किया था, जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म का रिमेक थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी। पर इस फिल्म में राम को कोई फायदा नहीं हुआ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के पिटने से दुखी रामचरण ने फिर करियर में कोई बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया। अगर रामचरण की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रताप सी रेड्डी की पोती उपासना कमीनेनी से शादी की और शादी के 10 साल बाद दोनों 20 जून 2023 को एक बेटी के पेरेंट्स बने। रामचरण साउथ के सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक है। उनकी नेटवर्थ तकरीबन 1300 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी वाइफ उपासना की नेटवर्थ भी तकरीबन 1130 करोड़ है। अगर दोनों की संपत्ति मिला दे तो ये तकरीबन 2430 करोड़ के मालिक है। रामचरण के पिता चिरंजीवी की नेटवर्थ भी 2500 करोड़ है। तो अगर हम राम के लग्जरी लाइफ की बात करें तो राम के पास हैदराबाद में एक आलीशान घर है। ये बंगला हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में है। उनके इस बंगले की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। रामचरण को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में करोड़ों की कई कारें शामिल है।
रामचरण ने 2016 में कोनीडेला नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। इसके बैनर तले चिरंजीवी की 150वीं फिल्म कैदी नंबर 150 बनी। 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 164 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा रामचरण एक एयरलाइन कंपनी के भी मालिक है। रामचरण हैदराबाद की एक रीजनल एयरलाइन कंपनी टर्बो मेगा एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है। यानी देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर, तो कह सकते हैं कि रामचरण के साथ यही सीन है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।